मैंने देखी है रजनीकांत की फिल्म दरबार, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये फिल्म कैसी है और आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। देखिए, जिस फिल्म में रजनीकांत हैं उस फिल्म को रजनीकांत के फैंस जरूर देखते हैं। मेरे साथ भी रजनीकांत के कई फैंस ने ये फिल्म देखी, खूब सीटियां बजाई, खूब तालियां बजाई, और इसी बात से आप समझ गए होंगे कि फिल्म मसाला एंटरटेनर है। फिल्म में रजनीकांत आदित्य अरुणाचलम के किरदार में हैं, जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, और उन्हें मुंबई में क्राइम का सफाया करने के लिए भेजा जाता है, और रजनीकांत इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। रजनीकांत की एक बेटी है जिसकी वो शादी कराना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि फिल्म में रजनीकांत की पत्नी जो है वो उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं, तो बेटी चाहती हैं कि रजनीकांत पहले शादी कर लें। तो इस तरह से फिल्म में एक कॉमिक और रोमांटिक एंगल देने की भी कोशिश की गई है, जो कई बार थोड़ा सा बोर भी करता है और थोड़ा सा ओवर द टॉप भी लगता है। लेकिन जिस तरह से रजनीकांत ने फिल्म में एक्शन किया है वो काबिले तारीफ है। रजनीकांत का वही स्टाइल, चश्मे को झटके से पहनना और गुंडों को अपने स्टाइल में पीटना, जिस स्टाइल के रजनीकांत जाने जाते हैं, वो इस फिल्म में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। देखिए, इस साल रजनीकांत 70 साल के हो जाएंगे, लेकिन रजनीकांत ने जिस अंदाज में इस फिल्म में पुलिस वाले का किरदार निभाया है, जिस तरह से एक्शन किया है, जिस तरह से उन्होंने अपना स्वैग दिखाया रजनीकांत वाला, वो काबिले तारीफ है। देखिए, अगर फिल्म की कहानी की बात की जाए तो फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं जो क्राइम का सफाया करते, लेकिन फिल्म में मसाले डालकर फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने की काफी कोशिश की गई है। और जिस फिल्म में रजनीकांत होते हैं ना, वहां आप कहानी ढूंढते भी नहीं है। रजनीकांत के फैंस भी जो हैं, मेरे कई फैंस से यहाँ बात हुई तो उनका कहना था कि हम सिर्फ रजनीकांत के लिए यहाँ हैं। देखिए, इस हफ्ते दो बड़ी फिल्में और भी आई हैं। छपाक आई है दीपिका पादुकोण की, उसकी भी जो है बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। तानाजी की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, हमने आपको उन दोनों फिल्मों के रिव्यूज़ भी दिखाए थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ रजनीकांत की फिल्म दरबार देखने वाले फैंस अच्छी खासी तादाद में थे, और कई लोगों का तो ये कहना था कि हाँ ठीक है, बाकी फिल्में आई हैं लेकिन हम तो रजनीकांत की फिल्म देखने आए हैं। फिल्म में सुनील शेट्टी भी हैं, जो विलन के किरदार में हैं, कहीं ना कहीं इम्प्रेस करते हैं। रोल उनका थोड़ा छोटा है, लेकिन कुल मिलाकर सुनील शेट्टी ने भी अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया है। लेकिन फिल्म की जान है रजनीकांत। तो देखिए, रजनीकांत के फैंस के लिए फुल पैसा वसूल फिल्म है, और अगर आप रजनीकांत के फैन नहीं हैं तो भी अगर ये फिल्म देखेंगे तो उनके फैन हो जाएंगे, क्योंकि जिस स्टाइल, जिस स्वैग के लिए रजनीकांत जाने जाते हैं, वो आपको इस फिल्म में जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर एक अच्छी मसाला एंटरटेनर पैसा वसूल फिल्म देखने का मन है, तो आ जाइए रजनीकांत के दरबार में।